मथुरा पुलिस ने विगत दिनों पूर्व 28 सितंबर को मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के दलपत खिड़की इलाके में कपड़ा व्यापारी युगल किशोर के यहां पर हुई लाखों रुपए की चोरी की घटना का बड़ा खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए पड़ोसी दिनेश यादव के घर से चोरी किया गया डायमंड और सोने चांदी के आभूषण सहित 3 लाख की नकदी को भी बरामद किया। आपको बता दें कि 5 दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के दलपत खिड़की इलाके के रहने वाले कपड़ा व्यापारी युगल किशोर अग्रवाल अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए परिवार सहित दिल्ली गए हुए थे। तभी पड़ोसी दिनेश यादव ने बंद घर को देखकर घर के अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर रखे करीब 80 लाख के सोने चांदी के आभूषण और डायमंड पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, घर में रखी 3 लाख रुपए की नकदी भी शातिर चोर अपने साथ ले गया। घर में हुई चोरी की घटना की जानकारी तब हुई जब मकान मालिक युगल किशोर अग्रवाल दिल्ली से अपने घर वापस लौटे तो घर के अंदर रखा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सबसे बड़ी बात है कि घर का दरवाजा बाहर से लॉक था, घर के अन्य कमरों का भी दरवाजा लॉक था। मौके पर पहुंची पुलिस भी फोरेंसिक टीम के आधार पर जांच कर रही थी। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सर्विलांस टीम की मदद से पड़ोसी दिनेश यादव के यहाँ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान जब पुलिस ने दिनेश यादव के यहाँ पर तलाशी ली तो पुलिस को चौंकाने वाला तथ्य हाथ लगे। दिनेश यादव ने अपने पलंग के नीचे गड्ढा खोदकर चोरी किया गया सामान, लाखों रुपए के सोने चांदी का आभूषण सामान उसमें दबा रखा था और ऊपर से पलाई लगाकर उसको समतल कर दिया जिससे किसी का शक उस पर ना जाए। फिलहाल आरोपी दिनेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है। इतनी कम है, 100% रिकवरी है हमारी। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। 27-28 की रात को चोरी हुई और इतनी जल्दी आपका खुलासा, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने जो काम किया किस तरह से आप देखते हैं? पुलिस ने बहुत ज़्यादा उम्मीद से बहुत अच्छा काम किया और इन्हीं की वजह से ही ये खुल पाया। अगर जो लोग थोड़ी भी ढिलाई करते थे काम नहीं हो पाता। आप लोगों ने सोचा कि ऐसा चोर निकलेगा जो कभी उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो या कुछ इतिहास ना हो? अगर जो हम सोचते हैं वैसा कहाँ होता है भाई, जो नहीं सोचते हैं वही तो होता है। अब आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पूरी तरह। एक मिनट, ये 27/28 तारीख को रात थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक कपड़ा व्यवसायी है, उनके यहाँ पे चोरी हुई थी। चोरी के अंदर काफी सामान लिया था और इस घटना का अनावरण किया गया। घटना के अंदर शामिल एकमात्र अभियुक्त दिनेश चोरी यादव को गिरफ्तार किया गया जिसकी उम्र करीबन 29 वर्ष है, जिसने अपने जुर्म का इकबाल किया है। और जो घटना का अनावरण हुआ है उसमें ये पता लगा है कि इनके बगल का ही बिल्कुल रहने वाला है, 200 से 300 मीटर के अंदर घर पे इनके घर की दूरी है। इस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसको इस बात की जानकारी थी कि घटना के एक दिन पहले जो जिनके यहाँ पे चोरी हुई है युगल किशोर अग्रवाल जी, ये अपने कुछ कारणों से जनपद से बाहर जा रहे थे और बाहर से ताल लगाते हुए इसने इनको देखा, क्योंकि इनको इनकी व्यापारिक हैसियत की जानकारी थी और इसको इस बात की जानकारी थी कि काफ़ी सामान इनके यहाँ पर हो सकता है। ये दूसरे रास्ते से ऊपर का एक जाले के रास्ते से नीचे आया और इसने वहाँ पे जो भी सोने चांदी के आभूषण थे और लगभग 3 लाख के आसपास का कैश, ये टोटल कीमत जो है ज्वेलरी वगैरह की आंकलन करके कैश के साथ मिला के लगभग 83 लाख रुपये की है, जिसको 100% रिकवरी किया गया है और इसने अपने जुर्म का इकबाल किया है। घटना के बाद इसने अपने घर पे अपने पलंग के नीचे एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर एक प्लाई लगा के उसको बेड से कवर कर लिया था। लोकल पुलिस को कुछ स्थानीय स्तर से जानकारी हुई जहां पर इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान इसने अपने जुर्म का इकबाल किया, जुर्म का इकबाल करके इसी की निशानदेही के ऊपर इसके घर से सारा माल रिकवर किया गया और इसके अंदर विधिक कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।